देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आराम से पेशेंस अप करना है और लगातार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच इधर बिगन विथ और एंड विथ टू, या तो टू से इसकी शुरुआत हो रही है या टू से इसका अंत हो रहा है, उतने नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे भाई कि 100 से आपका 199, ठीक है, मतलब 200 नहीं लेंगे, 199 के बीच में कितने ऐसे नंबर इनकी शुरुआत टू से हो रही है या एंड टू से हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 102 आएगा आपका। इसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं जहाँ पे टू से शुरुआत है टू से एंड होगा, ऐसे नेक्स्ट लाइन पे 112 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा 122, फिर नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा 132, ऐसे 142, ऐसे 152, ऐसे आपका 162, ऐसे आपका 172, 182 और ये आपका 192। ठीक है, तो ये कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ये हो गए आपके। फिर आप 199 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने 200 से मैं 299 जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हर एक नंबर आपका जो है जिसकी शुरुआत टू से हो रही है, हर एक नंबर, ठीक है, और लास्ट नंबर में भी टू है, हर एक नंबर पे शुरुआत टू से हो रही है, तो उसका मतलब 200 से 299 के सारे नंबर्स में काउंट होंगे। ठीक है, सारे नंबर। तो अब इसके बीच नंबर कैसे निकालें, तो जब भी हमको ऐसा निकालना होता है कि ऑल नंबर बिटवीन दिस इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स, की ट्रिक क्या होती है कि आप लास्ट नंबर में स्टार्टिंग वाले नंबर को माइनस कर दो और जो भी आ रहा है उसमें प्लस वन जोड़ दो, क्योंकि हमको इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। तो ये हो गया 99 प्लस 1 100, मतलब यहाँ के कितने नंबर आएंगे आपके, 100 नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे 100 ऐसे नंबर्स आ गए जिसकी शुरुआत या एंड टू से हो रहा है, यहाँ पे आपके 10 आ गए, इनको जोड़ेंगे तो आपका 100 प्लस 10 110, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।